हेलो फ्रेंड्स, आज ना हर्बल किचन से आप सभी के लिए ले आई हूँ मैं बिना ओवन और बिना स्टेट के सिर्फ ब्रेड की बनने वाली है लाजवाब चीज़। हर शाम में ना नाश्ते के इसमें ना आपके ज़बान पर यही आएगा कि यार बनना चाहिए ना तो ब्रेड लजीज बनना चाहिए। ये क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी मैंने हर्बल किचन से ली थी। चलो चलते बनाने के लिए वेजेस। अब वेजेस बनाना है तो बटर लेंगे हम, उसके अंदर ना मैं गार्लिक दूंगी। गार्लिक को हमें ना पीसना नहीं है, उसे क्रश करना। उसके बाद ना हम तो ओनियन भूल नहीं सकते, ओनियन को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हम लोग कर देंगे। कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे जो आपको पसंद है आप वो वेजिटेबल्स मिक्स कीजिए। उसके अंदर मैंने है ना हमारा रेड चिली और ग्रीन चिली फ्लेक्स डाला था और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से हम लोग पकने के लिए रख देंगे। अब सॉस बनाना है। अब रेड सॉस बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल पैन में लेंगे, 1 टेबल स्पून बटर लेंगे, गार्लिक और हमारे चिली फ्लेक्स और जिसे अंदर मैंने ग्रीन चिली भी डाल दिया था। ब्लैक पेपर तो अब हम लोग भूल नहीं सकते क्योंकि ब्लैक पेपर तो जान होती है सॉस की। उसके बाद में मैंने प्याज भी डाली थी, प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर देंगे। और ये टमाटो केचप था, इसे मैंने टमाटो 2-3 टमाटो ले लिए थे और इसे अच्छे से मैंने मिक्सी में पीस लिया था। जब तक कि हमारा टमाटो का कलर चेंज हो रहा है उसके अंदर आप लोग ना टमाटो केचप डालेंगे, लाल मिर्च और नमक डालेंगे। टमाटो केचप थोड़ा सा है ना स्मेल बढ़ाने के लिए, लाल मिर्ची और नमक टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब व्हाइट सॉस बनाना है तो व्हाइट सॉस के लिए उसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, बटर और उसके अंदर मैंने मैदा ले लिया था। अब मैदे को भी अच्छे से हम लोग इसे अच्छे से गूंद लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। 2 कप मिल्क डालने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब इसे अच्छे से हम लोग गाढ़ा कर देंगे और थोड़ा सा चीज़ तो हम भूलेंगे नहीं, रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर उसे अच्छे से हम लोग पकने के लिए रख देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ना तो प्लीज़ हमें बताना। अब ब्रेड ले लिया था, ब्रेड को अच्छे से हम लोग ना मीन्स बेलन की मदद से ना इसे स्मूथ कर लेंगे, उसे कैची के ना मदद से उसके 2 पीसेस कर लेंगे। आजू बाजू का सब कुछ हमें हटा लेना है। उसके अंदर ना अब लगाना लगाने के लेयर चलाते हैं। ये मैंने हमारा रेड सॉस था, वाइट सॉस था, इसे अच्छे से मैंने डाल दिया था। अब उसके अंदर मैं ब्रेड डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। फिर वापस से रेड सॉस, वापस से ब्रेड मीन्स हमारा वाइट सॉस और इसमें मैं वेजेस डाल रही हूँ। वेजेस के बाद में चीज़ डालेंगे, चीज़ के बाद में और एक ब्रेड की शीट लगाएंगे, रेड सॉस और वाइट सॉस, जिसके बाद हमें उसे अच्छे से फैला लेना है और इसे अच्छे से ना उसके अंदर हमारा वेजेस डाल देना है और कुछ पिकल्स डाल के ना इसके अंदर हम लोग चीज़ डाल देंगे, फिर रेड सॉस और वाइट सॉस, फिर उसके अंदर और भी थोड़े से वेजेस डाल देंगे। और इसे आप सॉल्ट लेंगे हम 2 कप, जिसके अंदर मैंने इडली का बर्तन लिया था। 10 मिनट तक के हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे बिना पानी के मदद से। अब उसे अच्छे से हम लोग ना उसमें रख देंगे। अब प्रिपेयर होने के लिए 20 मिनट हम इसे अच्छे से रख देना है। आपका ये ओवन जैसा काम करेगा, ये ट्रिक आपको केक बनाने में भी यूज़ होंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 चीज़ें में कर लिया है। आप इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।